नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। आरजेडी खेमे से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये आ रही है कि आरजेडी के पूर्व सांसद बाहुबली शहाबुद्दीन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि शहाबुद्दीन पिछले कई सालों से तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं। शहाबुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा मिली है। इससे पहले वो बिहार के जेल में ही रहा करते थे, लेकिन जब महागठबंधन की सरकार बनी तो कुछ दिनों के पेरोल पे वो बाहर आए थे और उसके बाद काफ़ी राजनीतिक बवंडर हुआ। उसके बाद वो दिल्ली के तिहाड़ जेल उनको शिफ्ट किया गया। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, शहाबुद्दीन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और उनको दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि शहाबुद्दीन की स्थिति अभी ठीक ठाक है, लेकिन कोरोना संक्रमित पाए जाने के कारण उनको दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहाबुद्दीन कई सालों से जेल में बंद है, कई मामलों में वो दोषी पाए गए हैं और कई मामलों का केस उनके ऊपर अभी चल रहा है, लेकिन शहाबुद्दीन अभी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शहाबुद्दीन आरजेडी के बड़े नेता हुआ करते थे एक ज़माने में। शहाबुद्दीन सिवान के बाहुबली कहलाए जाते थे। उस जगह कई लोगों का मानना है कि वहाँ शहाबुद्दीन का पूरा साम्राज्य चला करता था। शहाबुद्दीन जो है साहब के नाम से भी जाने जाते थे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर है कि शहाबुद्दीन कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, चारों ओर कोरोना ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं। कल एक दो दिन पहले खबर आई थी कि मेवालाल चौधरी का भी निधन हो गया था कोरोना से, जो जेडीयू के विधायक है और पूर्व में एक दो दिन के लिए वो शिक्षा मंत्री भी बने थे, लेकिन कोरोना अब भयावह रूप अपना लिया है और कई लोगों को अपने चपेट में ले रहा है। तो बता दें कि कोरोना से बच के भी रहने की अभी जरूरत है और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाना अभी उचित है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल देश को संबोधित करते हुए कहा कि घर से न निकले और जरूरी हो तो एक दूसरे से दूरी बना करके रखे, और राज्य सरकारों से अपील किया था कि लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में रखा जाना चाहिए। तो इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों देखने के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट के साथ। धन्यवाद।